सो गाइस पीओएसपी रोम का एकदम से लेटेस्ट अपडेट आ चुका है, मैंने इंस्टॉल कर लिया है मेरे K20 प्रो में। तो चलिए गाइस जल्दी से देख लेते हैं कि इस अपडेट में हमें कौन कौन से न्यू फीचर्स देखने को मिल जाते हैं एंड ओवरऑल रोम यूज करने लायक है या नहीं। तो गाइस अगर इस रोम की डिटेल्स के बारे में बात कर ले तो हम लोग देख सकते हैं जो रोम ही एंड्रॉइड 10 बेस्ड है एंड साथ ही साथ यहाँ पे पीओएसपी वर्जन जो है वो है 3.1.9+14। एंड यहाँ पे अगर बात कर ले इसके सिक्योरिटी पैच के बारे में तो हम लोग देख सकते हैं इसमें एकदम से लेटेस्ट 5 जुलाई 2020 का सिक्योरिटी पैच हमें देखने को मिल जाता है। एंड साथ साथ अगर हम लोग बात कर ले इसके कर्नल के बारे में तो यहाँ पे पर्व कर्नल हमें देखने को मिल जाता है। सो गाइस पीओएसपी रोम काफ़ी एक इंटरेस्टिंग रोम मुझे लगा इस बार का लेटेस्ट अपडेट, क्यों मैं आप सभी को इसी वीडियो में बताऊंगा, तो ज़रूर वीडियो को लास्ट तक देखें। एंड यहां पे मैं एक एक पॉइंट करके आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या इस रोम में बेटर है एंड क्या क्या मेरे हिसाब से थोड़ा और बेटर होने पर बेहतर रहता। तो पहले मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पे जो लॉन्चर यूज़ किया गया है होम स्क्रीन में यह है लॉन्चेयर लॉन्चर एंड अगर आप माइक्रो जी एप्स को फ्लैश करें तो आप यहाँ पे पिक्सल लॉन्चर का ऑप्शन भी अवेल कर पाएंगे। ये एक वैनिला रोम है तो आपको अलग से माइक्रो जी जो ओपन जी एप्स है उसका माइक्रो पिको या नैनो में से कोई एक जिप तो आपको ज़रूर से फ्लैश करना पड़ेगा। इसके बाद अगर जल्दी से बात कर ले इसके क्यूएस पैनल के बारे में तो क्यूएस पैनल में आप सभी देख सकते हैं एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट वो है कि यहाँ पे जो आइकन के कलर्स हैं वो काफ़ी डिफरेंट है, यूनिक है। इसके बारे में मैं ज़रूर से बात करूँगा इसे कस्टमाइजेशन सेंटर में इस रोम के, क्योंकि काफ़ी सारे फीचर्स मुझे एकदम काफ़ी पसंद आए एंड अट्रैक्टिव भी लगे। उसके पहले मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पर काफ़ी सारे टाइल्स भी हमें देखने को मिलते हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, जितना हमें प्रैक्टिकली डे टू डे लाइफ में ज़रूरत पड़ता है वो सारे टाइल्स हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। जैसे अगर हम लोग बात कर ले यहाँ पे वाईफाई, ऑटो रोटेशन, मोबाइल डेटा, ये सारे कॉमन टाइल्स यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे एओडी, लोकेशन, कैफीन मोड, डीसी डिमिंग, हेडसेट नोटिफिकेशन, सिंक्रोनाइजेशन, लाइव फोकस के साथ साथ यहाँ पे फोकस मोड एंड ग्रे स्केल के लिए भी हमें टाइल्स देखने को मिल जाता है। इसके बाद अगर जल्दी से आज हम लोग सेटिंग्स पे, तो सेटिंग्स पे हम लोग फर्स्ट में देख सकते हैं नेटवर्क्स एंड वाईफाई में वोल्टी जो है एकदम अच्छे से काम करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है वोल्टी को लेकर, कॉलिंग इसीलिए काफ़ी अच्छा है यहाँ पे एंड वाईफाई भी काफ़ी अच्छी तरीके से ही काम करता है यहाँ पे। इनफैक्ट यहाँ पे अगर आप बात कर ले वो वाईफाई कॉलिंग तो वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से ही होता है। इसके बाद जल्दी से अगर बात कर ले ब्लूटूथ को लेकर तो ब्लूटूथ भी एकदम अच्छे से काम करता है एंड फ्राइज ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग मेन्यू है, क्योंकि ये इस रोम का कस्टमाइजेशन सेंटर है जो पर्सनली मुझे अभी तक का सबसे बेस्ट कस्टमाइजेशन मेन्यू लगा किसी भी एओएसपी रोम में। इसके बारे में कुछ दिन बाद हम लोग बात करते हैं, पहले हम लोग बेसिक से सारे फीचर्स देख लेते हैं इस रोम की। तो अगर बात कर ले बैटरी को लेकर तो बैटरी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे बैटरी लाइफ हमें देखने को मिल जाता है। आप अगर मीडियम यूज करें तो आपको लगभग 7 आवर्स का बैटरी लाइफ तो आराम से देखने को मिल जाएगा, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, 7 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम आई मीन, तो ये काफ़ी एक अच्छी फीचर है इस रोम की। एंड इसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे डिस्प्ले में तो डिस्प्ले में काफ़ी सारे ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट यहाँ पे एंटी फ्लिकर मोड भी आपको देखने को मिल जाता है डिस्प्ले सेक्शन में ही। एंड अगर हम लोग बात करें बेसिक से जो भी फीचर्स है जैसे डीपीआई सेटिंग एंड लॉक स्क्रीन डिस्प्ले तो आप सब कुछ यहाँ से एकदम एक्सेस कर पाएंगे। इसके बाद अगर जैसे साउंड में तो साउंड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, साउंड एकदम अच्छे से ही काम करता है। एडवांस में अगर हम लोग आ जाए तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट साउंड एनहांसर का भी मेन्यू देखने को मिल जाता है। इसके बाद सिक्योरिटी में अगर हम लोग आ जाए तो हम यहाँ पे फिंगरप्रिंट देख सकते हैं, पैटर्न, पिन सब कुछ हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस रोम में मुझे फेस अनलॉक देखने को नहीं मिला। फिंगरप्रिंट की बात कर ले तो फिंगरप्रिंट मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलायबल लगा, फास्ट लगा एंड एक्यूरेट भी लगा, तो फिंगरप्रिंट काफ़ी अच्छा है, आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर जल्दी से हम लोग बात कर ले अकाउंट एक्सेसिबिलिटी को छोड़ के यहाँ पे डायरेक्ट सिस्टम में आ जाए तो सिस्टम में हमें सिस्टम अपडेटर देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर इस रोम में फर्दर कोई भी अपडेट आता है तो आप डायरेक्ट यहाँ से अपडेट कर पाएंगे, ना ही आपको अलग से zip फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा एंड ना ही उसे कस्टम रिकवरी से फ्लैश करना पड़ेगा। यहाँ पे जेस्चर्स का मेन्यू भी आपको सिस्टम में ही देखने को मिल जाता है। इसके बाद अगर डायरेक्टली आ जाए इसे कस्टमाइजेशन सेंटर में जो कि है फ्राइस, तो मैं क्यों बोला ये मुझे सबसे फेवरेट लगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन ही ऐसे थे। जैसे कि हम लोग बात कर ले क्यूएस टाइल डिस्को, तो क्यूएस टाइल डिस्को बेसिकली क्या होता है, अगर मैं इसे ऑफ कर दूँ सारे जो टाइल्स है वो सेम मेरे एक्सेंट कलर के ही देखने को मिल जाते हैं, लेकिन अगर हम लोग डिस्को ऑन कर
सडनली, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सारे जो कलर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं एंड एक सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम में वो चेंज होते रहते हैं, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। इसके बाद अगर हम लोग बात कर लें यहाँ पे, तो आप यहाँ पे रो कॉलम के सारे जो टाइल्स हैं उन्हें कस्टमाइज कर पाएंगे कि कितने नंबर्स के यहाँ पे होने चाहिए। इसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग आते हैं जेस्चर्स में डायरेक्टली, तो जेस्चर्स में भी काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शन है, जैसे थ्री फिंगर स्क्रीनशॉट के साथ साथ यहाँ पे आप अगर रीस्टार्ट, एडवांस रीस्टार्ट, स्क्रीनशॉट मेन्यू, स्क्रीन रिकॉर्ड मेन्यू, मतलब पावर बटन को अगर आप कुछ देर कंटिन्यूसली प्रेस करेंगे तो इतने सारे मेन्यू जो कितने कितने आपको शो होंगे वो आप यहाँ से ऑन कर पाएंगे। टॉकिंग अबाउट पावर मेन्यू, तो पावर मेन्यू को मैं ऑन करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आप स्क्रीनशॉट के साथ साथ स्क्रीन रिकॉर्डर की ऑप्शन है, एंड स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करके मैं बता देना चाहता हूँ ये स्क्रीन रिकॉर्डर काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आप यहाँ पे बिट रेट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑडियो सोर्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो माइक्रोफोन, इंटरनल ऑडियो या पूरी तरह से डिसेबल भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे शो टचेस ऑन स्क्रीन का ऑप्शन भी मिला है आपको, एंड शो स्टॉप बटन ये भी आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलता है। तो काफ़ी फीचर रिच मैं बोलूँगा इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। इसके बाद अगर डायरेक्टली हम लोग आ जाए इसका नेक्स्ट ऑप्शन है जो कि है थीम्स, तो थीम्स, ओह माय गॉड, थीम्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा है रोम का। आप यहाँ पे देख सकते हैं आप एक्सेंट कलर को भी यहाँ पे पूरी तरह से कन्फिगर कर सकते हैं, क्योंकि आपके सामने पैलेट जो है वो रहता है कलर सेलेक्ट करने का, एंड यहाँ पे आइकन शेप भी काफ़ी सारे दिए गए हैं, आप उनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट लॉक स्क्रीन में काफ़ी सारे न्यू टाइप के हमें क्लॉक भी देखने को मिल जाते हैं जो इस अपडेट के साथ ही ऐड हो चुके हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे कन्फिगरेशन और कन्फिगर करने का ऑप्शन है, काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन यहाँ पे मेन्यू प्रोवाइडेड है। इसके बाद आप यहाँ पे थीम मोड में जाके डार्क नाइट स्टाइल आप काफ़ी सारे थीम्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल इसीलिए मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये फ्राइज जो इनका कस्टमाइजेशन सेंटर है, क्योंकि यहाँ पे स्टेटस बार के साथ भी आप देख सकते हैं काफ़ी कुछ ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। इनफैक्ट यहाँ पे अगर लॉक स्क्रीन में आ जाता है, लॉक स्क्रीन में आपको एक्चुअली फिंगरप्रिंट का जो आइकन है और फिंगरप्रिंट का जो एनिमेशन है वो आप सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, बट हु केयर्स, क्योंकि आपको वैसे भी काफ़ी कुछ ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है। तो बस उन दोनों ऑप्शन को हम लोग कुछ देर के लिए इग्नोर कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर जल्दी से हम लोग बात कर लें इसके होम स्क्रीन के बारे में, तो होम स्क्रीन काफ़ी फास्ट है, काफ़ी यूआई काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, एंड अगर हम लोग बात कर लें कैमरा रिलेटेड, तो कैमरा यहाँ पे एक्चुअली एनएक्स कैमरा है, जी कैम प्री इंस्टॉल तो नहीं आता, लेकिन यहाँ पे स्नैप कैम प्री इंस्टॉल आता है एंड कैमरा पूरी तरह से वर्किंग भी है। सो अगर आपको कोई इससे बेहतर एप्लीकेशन चाहिए तो आप डाउनलोड करके उसे इंस्टॉल कर सकते हैं आपके यूजेज के हिसाब से, तो उस रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इस रोम में। इसके बाद अगर जल्दी से हम लोग बात कर ले इसके DRM इन्फो के बारे में, तो यहाँ पे DRM इन्फो का मैं एप्लीकेशन ऑन कर लूँगा, एंड यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो वाइड वाइन CDM का सिक्योरिटी लेवल हमें देखने को मिल जाता है वो है L1। इसका मतलब क्या है, आप कोई भी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विसेज को आराम से फुल HD में कंज्यूम कर सकते हैं, वो पूरी तरह से सपोर्टेड होंगे इस रॉम में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस रॉम में मुझे एक जो छोटा सा प्रॉब्लम लगा वो है कि यहाँ पे अगर प्ले स्टोर में हम लोग नेटफ्लिक्स को यहाँ पे सर्च कर लें तो आप प्ले स्टोर से डायरेक्टली नेटफ्लिक्स को अवेल नहीं कर पाएंगे, आपको अलग से नेटफ्लिक्स का APK इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये मुझे छोटा सा एक डाउनसाइड लगा, लेकिन बाकी अगर मैं बात कर लूं तो ये रॉम मुझे काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगा, क्योंकि यहां पे काफी सारे जो है यूनिक फीचर्स है इस रॉम में। तो इसके बाद लास्टली चलिए हम लोग डायरेक्टली बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। तो परफॉर्मेंस की ही बात कर ले तो परफॉर्मेंस मुझे काफी अच्छा लगा, एंड ये पर्व कर्नल पर बेस्ड है। सो इसीलिए मुझे नहीं लगता, मुझे जितने भी मैंने अभी तक रॉम यूज किए पर्व कर्नल में, सारे के गीकबेंच मुझे काफी एवरेज शो किए गए थे। तो मैं गीकबेंच को ज्यादा मैं इंपॉर्टेंस इसलिए मैं नहीं दे रहा हूं बार, क्योंकि पर्व कर्नल के जो रॉम्स है, जैसे POSP रॉम में भी मैंने जब अभी पबजी का एक्सटेंसिव गेमिंग गेम प्ले मैंने किया तो मुझे काफी अच्छा परफॉर्मेंस मिला, कोई भी फ्रेम ड्रॉप या फिर लैग उतना मुझे देखने को नहीं मिला। तो ओवरऑल ये रॉम मुझे काफी प्लीजिंग लगा, एंड यहां पर अगर हम लोग बात कर ले हीटिंग इशू, तो हीटिंग इशू भी एकदम नहीं, मैं नहीं बोलूंगा थोड़ा बहुत है, लेकिन कोई भी अलार्मिंग रेट में हीटिंग इशू भी नहीं है। एंड चार्जिंग स्पीड की बात कर ले तो चार्जिंग स्पीड मुझे थोड़ा सा स्लो लगा यहाँ पे, क्योंकि लगभग 2 घंटे से ज़्यादा का टाइम चार्जिंग में ये ले लेता है, तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा ये शॉर्ट लगा कि चार्जिंग स्पीड थोड़ा सा शॉर्ट हो सकता था, तो चार्जिंग स्पीड यहाँ पे शायद से थोड़ा इम्प्रूव होने पर अच्छा होता। तो एनीवेज चार्जिंग स्पीड को थोड़ा अगर हम लोग साइड में रखें, तो उसके बाद परफॉर्मेंस की बात कर ले तो यहाँ पे गीकबेंच स्कोर आप सभी रिक्वेस्ट करते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रन तो किया है, लेकिन मैं आप सभी को स्कोर भी दिखा दूंगा। लेकिन मैं फिर से आप सभी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि गीकबेंच स्कोर को प्लीज आप यहां पे मत ले सीरियसली। तो ये रहे गीकबेंच स्कोर, मैं आप सभी को दिखा दे रहा हूं हिस्ट्री,
सिंगल कोर में है 547, मल्टी कोर में है 2231। आई एम श्योर आप सभी को काफी एवरेज लग रहा होगा, लेकिन प्लीज इस रोम को गीगबेंच के हिसाब से जज मत कीजिए, आप खुद यूज करके देखिए, आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा। और मैं कस्टमाइजेशन फीचर्स के बारे में तो आप सभी को सब कुछ पहले बता दिया, तो और ये रोम आप सभी को अच्छा लगा तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं इसका इंस्टॉलेशन प्रोसीड्योर। सो गाइस, इस रोम को इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लॉक बटन और वॉल्यूम अप बटन को एक साथ प्रेस करना पड़ेगा एंड हमारे फोन को जो है कस्टम रिकवरी मोड में ले जाना पड़ेगा। तो गाइस ये रहा हो चुका है हम लोग का रिकवरी ऑन। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वाइप सेक्शन में जाएंगे, एडवांस वाइप में जाएंगे, देन डेल्विक कैश सिस्टम डेटा, ये जो चार ऑप्शन है इनको हम लोग सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे वाइप कर देंगे स्वाइप करके। इसके बाद जल्दी से हम लोग आ जाएंगे इंस्टॉल में। इंस्टॉल में आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे रोम का जो जिप फाइल है उसे पहले हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। ये रहा पीओएसपी रोम का जिप फाइल एंड इसे हम लोग कर देंगे फ्लैश। तो गाइस ये रहा रोम का जो जिप फाइल है वो एकदम अच्छे से हो चुका है फ्लैश। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैक में जाएंगे एंड हम लोग क्या करेंगे, अभी जी एप्स को फ्लैश कर देंगे। ये हो चुका है हम लोग का जी एप्स भी फ्लैश। अब हम क्या करेंगे, रिबूट टू द सिस्टम। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हमारे MI का लोगो जो है वो आ चुका है। इसके बाद हम लोग देख सकेंगे अपना हम लोगों के जो रोम का ये जो बूटिंग एनिमेशन है, रोम का बूटिंग एनिमेशन भी हो चुका है ऑन। तो हमें थोड़ा सा भी वेट कर लेना पड़ेगा जब तक कि हमारा फर्स्ट बूट कंप्लीट ना हो जाए एंड फर्स्ट बूट थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है। तो गाइस ये हम लोग का हो चुका है रोम स्टार्ट। अभी हम लोग स्टार्ट पे क्लिक करेंगे एंड सिम प्रेफरेंसेस को कर लेंगे सिलेक्ट। देन किसी भी एक नेटवर्क में कनेक्ट होकर जो बेसिक एंड्रॉइड फॉर्मेलिटीज है वो हमें कर लेना पड़ेगा पूरा एंड ये एक बार हो जाने के बाद हमारा जो रोम है एकदम से रेडी हो जाएगा डे टू डे यूजेज के लिए। तो अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में।